खरगोन दैनिक वेतन भोगियों से वनरक्षक बने स्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन जबलपुर में रखा गया। बैठक में पूरे मध्य प्रदेश से प्रतिनिधियों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और पुरानी पेंशन बहाली के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेश उपाध्याय द्वारा अपने उद्बोधन में आगंतुकों का परिचय के साथ विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। वहीं अधिवक्ता आर के शर्मा के द्वारा पुरानी पेंशन संबंधित कोर्ट केस पर प्रकाश डाला गया। साथ ही खरगोन से पहुंचे अजय गुप्ता ने एकता के साथ कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर अपना उद्बोधन दिया और एक मंच पर सभी को एकत्रित करने हेतु सभी का भावनात्मक आभार व्यक्त किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इनको पेंशन की पात्रता नहीं क्यों मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम लोग विभाग में पिछले 1985 और 84 से नौकरी कर रहे हैं। विभाग का दैनिक वेतन होगी मस्टर कोड करने के नाम पे विभाग का अंश बन के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे आदेश में ही जो हमें 2008 में परीक्षा लेकर नियुक्त किया गया है उसमें सिर्फ दैनिक वेतन भोगी ही बैठे थे, बाहर कोई आदमी नहीं बैठा था। सिर्फ हमारे परिवार के लोग ने परीक्षा दी। हमारे इस परिवार के लोगों में हमारा जो आदेश है उसमें दैनिक वेतन भोगी से वनरक्षक लिखा गया है। अन्य जो आदमी वनरक्षक बने फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ उसमें दैनिक वेतन भोगी शब्द नहीं लिखा। हम कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं, कोर्ट से ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमें दैनिक वेतन भोगी मतलब हम KG बन में विभाग में पहले से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।